अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की द्वारा प्रिंट मीडिया की द्वारा प्रोपोगेंडा रॉन्ग प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि बुबाग्रा 20,000 नौकरी से त्रिपुरालैंड को छोड़ देगा, तो अभी वो लोग जहर उगल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 20,000 रुपए नौकरी भी चाहिए और त्रिपुरालैंड भी चाहिए। हाँ, लेकिन जिन लोगों को प्रोपोगेंडा करना है वो लोग कर रहे हैं क्योंकि लोग हार रहे हैं इलेक्शन। हाँ, तो करने दीजिए प्रोपोगेंडा, उनके पास पैसा है, मीडिया है, मेरे पास त्रिपुरासा है, मैं रेडी हूँ, करने दीजिए। लेकिन सब लोग जानते हैं कि बुबाग्रा ने अपना आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज करके मैंने बीजेपी के साथ या सीपीएम के साथ या कांग्रेस के साथ मैंने हाथ नहीं जोड़ा। मैंने अभी भी कहा है और अभी भी बोलूंगा कि जब तक हमारा ग्रेटर त्रिपुरालैंड का कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन राइटिंग में नहीं दिया जाएगा, हम लोग किसी के संग अलायंस नहीं करेंगे, किसी के संग बात नहीं करेंगे, अकेला लड़ेंगे। और जो लोग 20,000 नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ मैंने कहा 20,000 नौकरी दो, मैंने ये नहीं कहा कि 20,000 नौकरी के बाद हम खुश हो जाएंगे। 20,000 नौकरी भी दो, हमारा ग्रेटर त्रिपुरालैंड भी चलते ही रहेगा। लेकिन 20,000 नौकरी दो, आप पैसा सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो, आप पैसा सिर्फ नेता को दे रहे हो, आप त्रिपुरासा को नौकरी दो तब बात करो। हमें नहीं चाहिए आपका पैसा, हमें नहीं चाहिए आपका ये पैकेज वर्ल्ड बैंक का जो उधार से आता है, वो तो लोन है। आप डायरेक्टली त्रिपुरासा को 20,000 लोगों को नौकरी दे दो तब बात करो। लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ हमें बोलेंगे ये 2,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक लोन, 3,000 करोड़ का पैकेज, ये सब पैसा आखिर में कॉन्ट्रैक्टर खाएगा और नेता लोग खाएगा। इसी के लिए मैंने कहा था आप 20,000 नौकरी त्रिपुरासा को दे दो। और रहा मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड का बात, मैं जब तक हमें ये राइटिंग में नहीं मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, हम लोग अकेला फैलते हैं। तो अभी बीजेपी की सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले छावमोनी में एक इंसिडेंट हो गया था रेप के बारे में। रेप, देखो मैं रेप को कभी भी पॉलिटिकल, क्योंकि बीजेपी मेरा ऑपोजिशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रेप को पॉलिटिक्स से मिक्स करूंगा। रेपिस्ट होता है, उसका कोई जाति नहीं होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई पार्टी नहीं होता है। तो मैं सिर्फ हर पॉलिटिशियन को बोलना चाहता हूँ, मेरे मथा से हो, बीजेपी से हो, सीपीएम से हो, कांग्रेस से हो, अगर आपने रेपिस्ट को प्रोटेक्ट किया तो वो एक दिन आपके खुद के परिवार में कुछ गलत करेगा। इसी के लिए रेपिस्ट को जो एमपी हमारे जो कॉर्बो को सबसे लेकर हम अमरपुर में डंप कर दे तो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। इसके लिए ये सब काम करने से पहले आप लोकल लीडर से बात कीजिए, लोकल पॉपुलेशन को समझाइए और उनको तब दिखाइए कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। बिन बुलाए पुलिस के बलबूते में आप जाकर हमारे त्रिपुरासा एरिया में कचरा नहीं फेंक सकते, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। तो दो दिन पहले धौलाई डिस्ट्रिक्ट में छावमोनी एरिया में खास करके मानिकपुर अस्पताल में मलेरिया की वजह से दो जान चले गए, तो उसके बारे में मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में पुलिस को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए पुलिस से। हर हॉस्पिटल में जो दो लोग मरे मुझे बहुत खराब लगता है। मलेरिया धौलाई डिस्ट्रिक्ट में बहुत खराब तरीके से हर साल आता है, लेकिन इसमें डॉक्टर का गलती नहीं है। मैं जानता हूं कि लोग भावुक हो गए कि उनके परिवार में दो लोग मरे, ये एक इमोशनल रिएक्शन था, लेकिन डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, डॉक्टर हमें जिंदगी देता है। तो अगर डॉक्टर खुद ही सुरक्षित नहीं होगा तो वो हॉस्पिटल में क्यों काम करेगा। इसी के लिए मुझे लगता है कि हमें भी अपना थिंकिंग बदलना चाहिए, और जब तक ऐसा एटमोसफियर रहता है तो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को हॉस्पिटल में थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए फॉर ऑल डॉक्टर्स। तो लास्ट क्वेश्चन बुबाग्रा, बीते महीनों में बीते इलेक्शन में एडीसी इलेक्शन में आपने युवा पीढ़ियों को आपने चांस दिया था, तो अगले विधानसभा इलेक्शन में फिर से युवा पीढ़ियों को चांस देंगे? मैं सब त्रिपुरासा को चांस दूंगा। हम लोग 20 सीट पे नहीं, हम लोग 40 सीट पे फाइट कर रहे हैं, तो चांस। अब ये सवाल आप बीजेपी से पूछें कि वो कितने त्रिपुरासा को टिकट देना चाह रहे हैं, 20 सीट से बाहर कितने त्रिपुरासा को देंगे। मैं 20 सीट के बाहर भी त्रिपुरासा बुरुई हो, यूथ हो, सीनियर्स हो, सबको चांस दूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं उन्हीं को चांस दूंगा जिसका कमिटमेंट ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए 100%।